Dear students of 9th class, today we will discuss one of the algebraic identity of the same chapter polynomials. The last identity आज हम discuss करने वाले हैं, that is 8th identity. इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. आज जो आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है. इसका सॉल्यूशन जो है हम आरएचएस लेंगे, आरएचएस को हम सिंपलीफाई करके हमें एलएचएस मिलेगा. इफ वी गेट एलएचएस देन द आइडेंटिटी इज वेरीफाइड. टेकिंग आरएचएस, हम आरएचएस लेंगे यहां पे, विच इज इक्वल टू आरएचएस हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये हमारे पास पहले हम x से इनको मल्टीपल देंगे, x से हम इन सभी टर्म्स को मल्टीपल देंगे. x से x स्क्वायर को मल्टीपल होगा, इट बिकम्स x क्यूब. x से y स्क्वायर को मल्टीपल होगा, इट बिकम्स x y स्क्वायर. x से अब z स्क्वायर को मल्टीपल होगा, इट बिकम्स x z स्क्वायर. नाउ x से एक्स वाई को मल्टीपल होगा, इट बिकम माइनस, सॉरी यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव, इट बिकम्स नेगेटिव x इंटू x, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई. अब यहां पे x से इसको मल्टीपल होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वी हैव हियर नेगेटिव x इंटू y इंटू z, दैट बिकम्स एक्स वाई z. नाउ x से इस वाले लास्ट वाले टर्म को मल्टीपल होगा, यहां पे नेगेटिव ये पॉजिटिव, वी गेट हियर नेगेटिव, that is x times z x, that is z x square. इसी तरह अब हम y से इनको मल्टीपल देंगे, y से x को x square को मल्टीपल हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, that is y x square. अब y से इस y square को मल्टीपल होगा, दोनों पॉजिटिव है, we have here positive y cube. अब y से इस z square, दोनों पॉजिटिव है, we have positive, that is y z square. अब इसी y से इस एक्स वाई को मल्टीपल होगा, एक y इज पॉजिटिव ये नेगेटिव है, वी हैव हियर नेगेटिव, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर. नाउ y से इस वाले टर्म को मल्टीपल होगा, यहां पे नेगेटिव है यहां पे पॉजिटिव है, दैट इज नेगेटिव, दैट इज वाई स्क्वायर z. अब y से इस लास्ट वाले टर्म को मल्टीपल होगा, लास्ट वाले टर्म नेगेटिव है यहां पे ये पॉजिटिव है, वी गेट हियर माइनस टाइम्स एक्स वाई z. इसी तरह हम जेड से इन सभी टर्म्स को मल्टीपल देंगे, जेड से जब एक्स स्क्वायर को दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज प्लस, दैट इज जेड एक्स स्क्वायर. अब जेड से वाई स्क्वायर को मल्टीपल होगा, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, वी गेट पॉजिटिव, दैट इज जेड वाई स्क्वायर. अब जेड से जेड स्क्वायर को मल्टीपल होगा, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही होगा, दैट इज जेड इंटू जेड स्क्वायर, दैट इज जेड क्यूब. अब जेड से इस वाले टर्म को मल्टीपल हो गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मीन्स वी गेट हियर नेगेटिव एक्स वाई इंटू जेड, दैट इज एक्स वाई जेड. फिर जेड से इस वाले टर्म को मल्टीपल होगा, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, वी गेट नेगेटिव, दैट इज जेड इंटू वाई जेड, दैट इज वाई जेड स्क्वायर. अब इस जेड से इस लास्ट वाले टर्म को मल्टीपल होगा, यहां पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव ही होगा, that is z into z, that is z square x. अब इन टर्म्स को देख लीजिए, x cube यहां पे कहीं पे x cube नहीं है, that is x cube. आ गई ये टर्म, y cube भी यहां पे प्लस y cube, z cube भी यहां पे प्लस z cube, ये हमारे पास आ गए. एक और चीज रिमेंबर दिस, एक्स वाई जेड, यहां पे एक्स वाई जेड, यहां पे भी एक्स वाई जेड, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है, ये बन जाएगा माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड. अब बाकी टर्म जो है वो आप देख लीजिए, वो सभी टर्म्स कैंसिल होंगी, यहां पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर,
प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कैंसल होगी, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर पॉजिटिव है, जेड स्क्वायर एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसल होगी। अब नेक्स्ट है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहां पे आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसल होगा। अब माइनस जेड एक्स स्क्वायर, माइनस जेड एक्स स्क्वायर, यहां पे प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसल होगा। अब यहां पे वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां पे माइनस वाई जेड स्क्वायर, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसल होगा। नेक्स्ट है यहां पे जेड वाई स्क्वायर पॉजिटिव, जेड वाई स्क्वायर नेगेटिव, ये और ये टर्म भी कैंसल होगा, सारी टर्म्स आ गई। वी हैव हियर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड विच इज क्लियरली एलएचएस, देयरफॉर द आइडेंटिटी इज वेरीफाइड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इन्हीं आइडेंटिटीज के जरिए सिंप्लीफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।